हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा गुलदाउदी का पौधा, जो कि मैं कुछ दिन पहले मैं एक पॉट में भी ये लगा चुकी हूँ, यहीं से जो कि मैंने कटिंग से लगाया था बोल के। और मैं वो भी आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ। और कुछ जो मैंने ज़मीन में ऐसे ही छोड़ दिया था जहाँ लगाई थी उधर ही, तो देखिए ये पौधा अभी खिलने लगा है बहुत ही अच्छे से। ये गुलदाउदी बहुत ही अच्छे से खिलने लगा है। और देखिए सारे में ऐसे कलियाँ है भर भर के। अभी देखिएगा यहाँ एक और पॉट में जो है मैं लगाई थी पॉट में भी, वो भी मैं दिखा रही हूँ। और एक बात, उस दिन मैंने ये कैसे लगाई थी करके मैंने आप लोग को दिखाने के लिए ये देखिए कटिंग से लगाई थी, पर उस दिन जड़ नहीं आया था क्योंकि मैंने 2 दिन बाद ही लगाने का वीडियो किया तो नहीं आया था। अभी जो है बहुत ही अच्छे से जड़ आ गया है। इधर ऐसे ही लगाया मैंने ये सारा, और जो पॉट में भी लगाया यहाँ से, यहीं से मैंने पॉट में लगाया। और वहाँ का भी दिखाऊंगी खिलने लगा है कि नहीं। अभी देखिए ये इधर ही गाड़ देती हूँ क्योंकि इसको अभी बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, सर्दी का सीज़न है थोड़ा टाइम लेता है। फिर भी देखिए यहाँ दूसरा वाला में तो थोड़ा कली आने लगा है। देखिए ऐसा है गुलदावरी का, बहुत ही आसान से आप कटिंग से बहुत ही इजी तरीके से आप लगा सकते हो। और इधर देखिए, इधर पानी मिल रहा है तो सारे पौधे, और कल परसों 2 दिन तो बारिश भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा इधर, तो देखिए बहुत ही ताज़ा हो गए सारे, धूल मूल जो था सारा निकल गया, बहुत फ्रेश दिख रहा है सब पौधा। और ये आप सोच रहे होंगे कि क्या है धनिया का जैसा, ये धनिया नहीं है, ये है कॉस्मस का बीज गिर गया था। इधर कॉस्मस लगा हुआ था, अभी वो सारा मर गया क्योंकि उसका अभी सारा सूख गया फूल। और देखिए और बीज निकला था तो सारा इधर झड़ गया, तो इधर फिर से होगा कॉस्मस। देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है ये बहुत ही कम दिनों में। ये देखिए यहाँ पास में आज मैंने लगाई, ये तो आज ही गाड़ी हूँ ये कटिंग। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पॉट में जो लगाई थी वो थोड़ा येलो पड़ गया क्योंकि मैंने इसको 2 दिन घर में बंद करके रखा रूम के अंदर, कि मैं घर में नहीं थी, मुझे लगा कोई उठा के ले जाएगा, कोई नहीं था घर में, तो मुझे फिर मैं इसको रूम में बंद किया तो इसका हालत थोड़ा खराब हुआ। देखिए पर ये खिलेगा अभी, ऐसे अभी धूप देगा तो बहुत अच्छे से खिल जाएगा। देखिए खिलने वाला है। इसी गमले में मैंने और एक हफ्ता ऐसा हुआ एक लगाई थी पौधा, जो कि मुझे रास्ते में मंदिर जाते वक्त मिला था, रास्ते के दो साइड के जंगल में। ये भी येलो कलर का खिलता है, इधर लेके गाड़ दिया तो इसका भी बहुत नोट तक जो था इधर गाड़ दिया था, तो यहाँ से निकलने लगा है एक, यहाँ से एक निकलने लगा है, इधर से निकलने लगा है थोड़ा, यहाँ से निकलेगा। और ये जहाँ फूल था फूल वाला तो पूरा मर गया क्योंकि ये मैच्योर नहीं था, कोमल डंडा था, पर यहाँ से निकलेगा थोड़ा है हार्ड। फ्रेंड्स ऐसा था जब मैं लाई थी, देखिए ऐसा रास्ते के जो किनारे दो साइड में होते हैं ना जंगल, वो उधर से मैं लेके आई। और देखने में बहुत ही सुंदर गुलदाउदी का जैसा ही दिखता है। आप लोग बताइए अगर आपको आप लोगों को इसका नाम पता है तो क्या बोलते हैं इसको, देखने में सुंदर होता है। और मैंने ऐसे सभी को कट करके और सारे को लगा दिया था, पर कुछ जो है नहीं हुए, कुछ मतलब मैच्योर नहीं थे तो वो सूख गए, और जो मैच्योर था उससे उगने लगा है। अभी आप लोगों को दिखाया है जो वही है। फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पर आज का वीडियो में कुछ ऐसा खास कुछ नहीं है, बस मैंने मुझे शेयर करना था कि आप लोगों के साथ मेरा गुलदाउदी का फूल जो है अभी खिलने लगा है, मुझे वही शेयर करना था। मैं खुश हो रही थी कि फूल देख के, और आज धूप भी निकल आ रहा है 2 दिन के बाद, और ये इसमें भी जड़ आ चुका है, वो भी मुझे आपको दिखाना था, प्रूव करना था, है ना। उस बार जब वीडियो बनाई थी जड़ नहीं आया था, मुझे अच्छा नहीं लगा तब कि ऐसा झूठा है जैसा, तो अभी सच प्रमाणित हुआ।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।